गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों मोदी केयर ने अपना राइस ब्रायन ऑयल का दाम और मस्टर्ड ऑयल का दाम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, 220 रुपए लीटर कर दिया है। अब दोस्तों मैं इस राइस ब्रायन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को जो है नहीं खरीद पाऊंगा, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो है रेट बहुत ज़्यादा मोदी केयर ने कर दिया है। क्या दोस्तों ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं, आपके दिमाग में या आपके टीम के दिमाग में, या लोगों को जब आप डेमो प्लान दिखाने जाते हो तब आपको जरूर लोग कहते होंगे कि अब इसका राइस ब्रायन ऑयल, आपके राइस ब्रायन ऑयल का दाम जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इस राइस ब्रायन ऑयल को यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर ऐसा सवाल आपको सुनने को मिला है या आपके दिमाग में आता है तो इस वीडियो को एक बार आखिरी तक जरूर देखते रहिए, देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो महंगे होने का राइस ब्रायन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल जो आपको महंगा लग रहा है दोस्तों, वो आपको सस्ता जरूर लगने लग जाएगा, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को हम एक स्टोरी के थ्रू देखेंगे जिससे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मोदी केयर में आने वाले नए प्रोडक्टों की जानकारी, नए ऑफरों की जानकारी और उन ऑफरों के अंदर कौन कौन से नए चेंजेस होते हैं, उन सब की जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं मोदी केयर का जो राइस ब्रायन ऑयल है वो हमको कैसे सस्ते रेट में मिलेगा। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों राम और श्याम दो दोस्त थे, दोनों जो है एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन उनके किसी दोस्त ने उनको मोदी केयर का प्लान बताया, जिसमें से दोस्तों राम को जो मोदी केयर का प्लान बहुत अच्छा लगा और राम ने जो है ऑनलाइन बैठ के अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मोदी केयर में ज्वाइनिंग कर ली और वहाँ से प्रोडक्ट लेने का डिसीजन बना लिया। लेकिन शाम को जो है मोदी केयर का प्लान अच्छा नहीं लगता और शाम जो है मोदी केयर में ज्वाइनिंग नहीं करता, और जैसे वो पहले मार्केट से सामान ले रहा था वैसे ही वो मार्केट से सामान लेता रहता है। अब दोस्तों राम जो है मोदी केयर से कम 3000 रुपये का सामान यूज करता है, और दूसरी तरफ शाम भी जो है मार्केट से 3000 रुपये तक का सामान यूज करता है। और दोस्तों क्योंकि दोनों के घर में 5-5 लीटर जो है राइस ब्रायन ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए राम जो है मोदी केयर से 5 लीटर वाला राइस ब्रायन ऑयल यूज करता है और शाम जो है मार्केट से 5 लीटर का राइस ब्रायन ऑयल यूज करता है। अब क्योंकि दोस्तों हमने केवल राइस ब्रायन ऑयल का ही कंपैरिजन देखना है तो केवल हम 5 लीटर राइस ब्रायन ऑयल का ही दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब दोस्तों मोदी केयर में राम को जो है 220 रुपया लीटर जो है RBO मिलता है, राइस ब्रायन ऑयल मिलता है, और शाम जो है मार्केट से परचेज करता है इसीलिए उसको जो है 200 रुपया लीटर जो है राइस ब्रायन ऑयल मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए राम अभी जो है 20 रुपया महंगा राइस ब्रायन ऑयल यूज कर रहा है मोदी केयर से। तो चलिए दोस्तों अब इसको 6 महीने तक हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब दोस्तों क्योंकि राम जो है 5 लीटर तेल यूज कर रहा है 1 महीने में, तो इसको 220 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो दोस्तों 1100 रुपये का हमको जो है 1 महीने में राम परचेज करता है RBO, राइस ब्रायन ऑयल जो है 1100 रुपये का यूज करता है। और दूसरी तरफ क्योंकि शाम को जो है 200 रुपये लीटर ही ब्रायन ऑयल मार्केट से मिल रहा है, तो यहाँ हम अगर इसको 200 से 5 से गुणा करके देखते हैं तो उसको जो है 1000 रुपये में ही राइस ब्रायन ऑयल महीने भर का मिल जाता है 5 लीटर। और दोस्तों यहाँ देखा जाए तो 100 रुपये का जो है फ़र्क दोनों में मिल रहा है, क्योंकि राम जो है यहाँ 1100 रुपये का यूज कर रहा है मोदी केयर में और शाम जो है 1000 रुपये का महीना यूज कर रहा है, तो यहाँ 100 रुपये का दोनों का फ़र्क आता है। उसके बाद अब इसको हम गुणा कर लेते हैं 6 महीने से, तो 1100 को 6 महीने से गुणा करते हैं तो यहाँ से 6600 रुपये का जो है टोटल परचेज करता है, टोटल यूजेज जो निकल के आते हैं 6600 रुपये का राम जो है यूज कर लेता है मोदी केयर से राइस ब्रायन ऑयल। और इधर दूसरी तरफ देखा जाए शाम जो है जो 1000 रुपये हर महीने यूज कर रहा था राइस ब्रायन, इसको 6 से हम गुणा करके देखते हैं तो 6000 रुपये की जो है टोटल परचेजिंग निकल के आती है शाम की मार्केट से। और दोस्तों अब यहाँ देखा जाए तो टोटल जो है 600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है मोदी केयर में जो है एक लॉयल्टी प्लान चलता है, तो दोस्तों यहाँ राम जो है टोटल 3000 रुपये का सामान परचेज कर रहा था, इसीलिए उसको जो है लॉयल्टी का भी बेनिफिट होता है।
अब दोस्तों अगर लॉयल्टी की बात कर ली जाए तो अगर आप मोदी केयर से 2 महीने तक लगातार 1800 से प्लस का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको आपकी परचेज की एवरेज का 20% जो है फ्री सामान दिया जाता है, और अगर आप 4 महीना रेगुलर सामान परचेज करते हैं तो आपको 60% जो है फ्री सामान दिया जाता है, और अगर आप जो है यहाँ से 6 महीना रेगुलर सामान परचेज करते हैं तो आपको जो है 120% जो है फ्री सामान दिया जाता है, जितना भी आप परचेज करते हैं उसकी एवरेज का। तो जैसे कि यहाँ राम ने जो है लगातार 6 महीने 3000-3000 रुपये का परचेज किया था, तो वहाँ देखा जाए दोस्तों तो उसको जो है 120% का जो है फ्री वाला सामान भी मिलता है। और दोस्तों क्योंकि अब हम केवल यहाँ राइस ब्राइन ऑयल का ही कंपैरिजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों 1100 रुपये जो है इनका 1 महीने का एवरेज निकल के आता है, और 1100 का अगर हम 120% निकालते हैं तो समथिंग 1320 रुपये तक के तो जो प्रोडक्ट हैं राम को जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मोदी केयर की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो आप मोदी केयर में जो है फ्री का जो आपका 1320 रुपये का कूपन बनता है उसमें जो है आप राइस ब्रैन ऑयल नहीं ले सकते, उसमें केवल आप 1 लीटर ही राइस ब्रैन ऑयल ले सकते हैं। उसके अलावा मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सभी आप जो है इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों और दूसरी तरफ देखा जाए शाम क्योंकि मार्केट से सामान ले रहा था और वहाँ जो है उसको कोई भी लॉयल्टी का बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि मार्केट में जो है कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं चलता। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब अगर इसको हम माइनस करते हैं राम की परचेज को तो 1 लीटर तेल कितने का हमको मिलता है, और इधर शाम का जो देखा जाए 200 रुपये लीटर ही तेल उनको 6 महीने बाद भी मिलता है। लेकिन अब जैसे कि वहाँ इनको जो है 1320 रुपये का जो है बेनिफिट हो गया था, प्रोडक्ट फ्री मिल गया, और साथ ही साथ जो है राम को यहाँ रीपरचेज ऑफ़र का भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि मोदी केयर में 10% हमेशा गिफ्ट हमको मिलता है हमारी परचेज पे। तो यहाँ जो है राम जो है 1100 रुपये का जो है राइस ब्राइन ऑयल खरीद रहा है तो उसको जो है यहाँ पर 100 रुपये का जो है गिफ्ट हर महीने मिल रहा था। इस तरह देखा जाए तो 600 रुपये का एक बेनिफिट ये भी उसको हो जाता है। अब दोस्तों राम को जो टोटल बेनिफिट यहाँ हो जाता है 1320 रुपये के फ्री प्रोडक्ट मिल जाते हैं और 600 रुपये का उनको ऑफ़र में रीपरचेज ऑफ़र में प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इन दोनों को हम जब प्लस कर लेते हैं तो 1920 रुपये का जो है राम को टोटल बेनिफिट होता है। अब क्योंकि उन्होंने टोटल जो है राम ने 6600 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया था, राइस ब्रैन ऑयल परचेज किया था, तो हम 1920 को माइनस कर देते हैं 6600 से तो दोस्तों यहाँ जो है 4680 रुपये का जो टोटल परचेज उनकी निकल के आती है 6 महीने में। और दोस्तों क्योंकि अब राम ने जो है लगातार 6 महीने प्रोडक्ट परचेज किया है, राइस ब्रैन ऑयल परचेज किया है, तो इस 4680 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 मंथ का आ जाता है टोटल परचेज। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 780 रुपये का जो हमारा 1 महीने की टोटल परचेज निकल के आती है राइस ब्रैन ऑयल की। अब दोस्तों 780 रुपये को हम 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि राम जो है हर महीने 5 लीटर राइस ब्रैन ऑयल परचेज किया करता था, तो 780 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 156 दोस्तों 156 रुपया लीटर जो हमको निकल के आता है यहाँ पर प्रोडक्ट जो है राइस ब्रैन ऑयल 1 लीटर 156 रुपये का हमको यहाँ मिलता है। अब देखिए दोस्तों एक जगह शाम जो है यहाँ 200 रुपया लीटर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, राइस ब्रैन ऑयल पर खरीद रहा है, और लेकिन मोदी केयर में सारे ऑफरों को काउंट करके यहाँ से आपको 156 रुपये में जो है पर लीटर यहाँ तेल मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मोदी केयर में आने वाले नए अपडेट्स की जानकारी और नए ऑफरों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ना भूलें।